हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। फिर से एक बार बात कर रहे हैं दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप आपको पता ही होगा, कंपनी या खरीदने में सबसे आगे होता है, और खास करके जो फ्यूचरिस्टिक कंपनीज होती हैं उसे खरीदने में बहुत आगे है एनर्जी के मामले में। इससे पहले भी ये सॉफ्ट बैंक करके एक ग्रीन एनर्जी कंपनी थी, उसे खरीद चुका है। मेरे ख्याल से कुछ महीने ही हो चुके हैं, और अब ये फिर से वापस से एक बार और एक ग्रीन एनर्जी की कंपनी खरीदने जा रहा है। जिस तरह का अदानी रिन्यूएबल्स या अदानी ग्रीन्स की बात करें, कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है डेफिनेटली काफी अच्छा है, बट डेट भी कंपनी के ऊपर उतना ही बढ़ते जा रहा है। इस तरह के एक्विजिशंस करने से कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाएगा। कंपनी कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर मैं कहूंगा ये ऑलरेडी अपनी मोनोपोली इस सेक्टर में क्रिएट कर चुका है। जिस तरह से अडानी की एक्सपांशन चल रही है, डेफिनेटली दो अगर कंपनी हम लोग छोड़ दें, अडानी ग्रीन्स यानी रिन्यूएबल्स और अडानी पावर में हाल ही के काफी ज्यादा डेट है, बट कहीं ना कहीं ये कंपनियां फ्यूचर की तरफ अगर हम देखते हैं और अगर सब सही रहा तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है ये दो कंपनी इनके लिए ला सकती है। हाल ही में हम लोग अगर देखें कि अदानी ग्रीन्स या रिन्यूएबल जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत मेजर चेंज से जा रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है, और जिस तरह की अडानी का कहना है कि उनके जो प्री प्लान से उनसे वो प्रोजेक्ट लाइन से 3 से 4 साल आगे पहुंच चुके हैं, और काफी ज्यादा और काफी जल्दी वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। तो अब फिलहाल हाल ही में कौन सी कंपनी खरीदने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, और किस तरह का चेंज करेगी ये कंपनी और क्या इंपैक्ट हो सकता है। आर्टिकल पर लेकर के चलता हूं दोस्तों बातें बताने के लिए। देखिएगा, यहां पर मैंने जैसे कहा कि सॉफ्ट बैंक एनर्जी को ये ऑलरेडी खरीद चुका था $3.5 बिलियन में। इस चीज को हाल ही के कुछ महीने ही हुए हैं, और अभी यह खरीदने जा रही है माइत्रा एनर्जी, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। माइत्रा एनर्जी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, फिलहाल डेट क्लंच में फंसी हुई है। सोलर और विंड का पोर्टफोलियो है, दो टाइप के एनर्जीज ये बनाते हैं, सोलर एनर्जी भी बनाते हैं और विंड एनर्जी भी बनाते हैं। हाल ही में कंपनी का जिस तरह का पोर्टफोलियो, कंपनी 2.1 से लेकर $2.3 बिलियन या फिर कहें 16,000 करोड़ से लेकर 17,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका एक सफिशियंट साइज में आता है, और यहाँ पर ज्यादा लार्ज असेट भी खरीदने के लिए आपको नहीं मिलेंगी। हाल ही के यहाँ पर हम लोग बात करें तो रेस में अडानी ग्रुप के साथ में KKR, CPPB और CDC और यहाँ पर आर्या रिन्यूएबल्स और रिन्यू पावर एनर्जी, ये सारी कंपनीज यहाँ पर फिलहाल लगी हुई है। यहाँ पर ये जो मेन कंपनीज हैं ये कोशिश कर रही हैं कि पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया जाए, और कुछ कंपनीज हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ एसेट्स में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम लोग अगर इसकी बात करें तो फिलहाल इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.7 GW का है, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन इनका जो सोलर का बिजनेस है वो स्मॉल क्रंच में फंसा हुआ है, बट विंड का जो है वो एक बड़े सिगमेंट यानी बहुत बड़े डेट के अंदर ये फंसा हुआ है। डेट की अगर बात करें तो 2000 करोड़ का डेट दोस्तों यहां पर दिखाई देता है। कंपनी का 17 विंड फार्म और 21 ग्राउंड मॉनिटर सोलर फार्म 9 स्टेट में फैले हुए हैं, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु आते हैं। ये देखिएगा, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका यह है कि यह पावर सेल करता है लगभग 13 से 25 साल का एग्रीमेंट करके, जिसमें यह 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी कर चुका है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को लेकर शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक अच्छा और ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहाँ पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। समझदारी का बिजनेस होगा अगर इनके साथ खरीदारी होती है, क्योंकि
1.7 गीगावाट की पावर एनर्जी एक बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स होती है। वो अगर आपके साथ जुड़ जाती है, खासकर के अडानी ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाती है, तो जब ये अभी फिलहाल ये 4 साल आगे, तो ये डेफिनेटली 5 से 6 साल आगे पहुंच सकते हैं अपने टारगेट अचीवमेंट को लेकर के। और इसी इंटेंशन के साथ में अडानी ग्रुप इस कंपनी को खरीदने के पीछे डेफिनेटली पूरा फोकस लगाएगा। और जैसी ये एनर्जी कंपनीज खरीदी जाएंगी, इनका जो है वो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इनका सेल्स बढ़ेगा, जैसे ही सेल्स बढ़ेगा डेफिनेटली इनका आने वाला रेवेन्यू बढ़ेगा। आने वाले रेवेन्यू से ये लोग पहली चीज करेंगे अपना डेट कम करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही डेट कम हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बिजनेस का तरीका ही देखिए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि NTPC कोल इंडिया ऐसी कंपनीज भी फॉसिल फ्यूल को छोड़ के अभी ग्रीन एनर्जी के पीछे लग रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर मोनोपोली या मार्केट का लीडर होना आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। होपफुली यही प्लान है अडानी ग्रुप का, अडानी रिन्यूएबल्स का। ये मुझे भी यही थॉट लगता है कि अगर अभी एक लंबे पीरियड के लिए स्टॉक को खरीद के रखेंगे छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में, मेजर क्वांटिटी अभी ना खरीदे क्योंकि डेट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे डेट कम होता जाएगा आप थोड़े 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 स्टॉक खरीदे जाइएगा, आने वाले समय में डेफिनेटली ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। ऑलरेडी मल्टीबैगर बनी चुकी है ऐसे वह ऐसे ऑपरेटर्स के चलते या फिर स्टॉक के चलते, बट रिटर्न्स बन चुके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फोबेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।